आ गए फिर, हो गया ब्लैक। तो निम्नलिखित में से कह रहा कि संख्या 25 का अपवर्तक है। अपवर्तक को इंग्लिश में फैक्टर बोलते हैं, हिंदी में गुणनखंड बोलते हैं, या इसको विभाजक बोलते हैं, या इसको डिवाइजर भी बोलते हैं। तो संख्या 25 का अपवर्तक मीन्स ऐसी संख्या जो 25 से नहीं, जिससे 25 कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, तो वो 5 है। आप कहोगे 1A, बाकी और कोई नहीं है। जवाब दीजिए सेकेंड में। ऑप्शन है 120, 170, 180, 210। सेकेंड में बताइए भैया, जल्दी करें, क्या होगा? सपना कमेंट आ रहा है, महेश, मिस्टर अनुज, अनुष्का, सुहानी, दिलीप, सपना, पंकज, राहुल, सबका कमेंट आ रहा है। सभी साथी फटाफट सेशन को लाइक करिए। आयुष, अर्पिता, ठीक है, फट गया है। ठीक है, बहुत अच्छा। इसका सही जवाब हो जाएगा 180, 180। यानी आप कह सकते हो कि 2 में सी सही है। भैया बाबू, कौन सा 2 में सी सही है? क्वेश्चन नंबर तीसरा ये बताओ, सबसे छोटी भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर जवाब दीजिए फटाफट, क्योंकि इसका ऑप्शन की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही बार में आपको लिख देना है। सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए। संख्या 4 के गुणज होंगे, जवाब दो भैया 3 के बाद 4 में। चलो हट गया हूं सामने से, देख लो। सबसे छोटी भाज्य संख्या मीन्स स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, वो 4 है। बहुत से लोग 2 बता रहे हैं, 2 भाज्य संख्या नहीं है गधा, नहीं बिल्कुल नहीं है, 2 भाज्य संख्या नहीं है। महेश बाबू जाग रहे हो, बॉबी यादव कमेंट आ रहा है, रिंकी चौधरी, ठाकुर राधा सिंह, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर मेरे भाई मेरे यार 4 होती है भैया। ऐसी संख्या जो खुद से और 1 से, इसके अलावा और भी किसी एक संख्या से कंप्लीटली डिविजिबल होती है, पूर्णतः विभाजित होती है, वो भाज्य कहलाती है। ये 2 जो है 1 से और खुद से तो डिवाइड होती है, बाकी और किसी से नहीं होती है। ये एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य है। यानी जैसे रावण की लगड़ी, सॉरी रावण की नगरी में विभीषण जी थे, समझ रहे हो, जैसे रावण की नगरी में विभीषण जी थे कि राक्षस के कुल में होते हुए, राक्षस के देश परिवार में होते हुए भी वो श्री रामचंद्र जी के भक्त थे, तो वैसे ये क्या है, सम संख्या होते हुए भी अभाज्य है। वो एकमात्र यूनिक नंबर 2 है, 2, बाकी और कोई ऐसा नहीं है। रागिनी समझ में आ रहा है, प्रियांशु आ रहा समझ में,
चल रे दादा आगे बढ़ने का। संख्या चार के गुणज कितने होंगे? मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि किसी भी नंबर के जो मल्टीपल हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, अनंत होते हैं, बिल्कुल इंसान की इच्छाओं के जैसे। तो 4 में 20 सही होगा। इसको तो तुमको कंफ्यूजन में डालने के लिए दिया था ना। ये तो इनके क्या अपवर्तक हैं, गुणज नहीं है। इसको नोट कर लीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5। आज मेरी आंख ना बहुत गड़ रही है, पता नहीं इसमें क्या हुआ है। कुछ पढ़ा तो नहीं मैंने देखा, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या भूचाल मचा है इसमें। तो एक दो बार तो इसको धुला मैं, एक ड्राप भी डाला लाया था। इससे याद आया पता है क्या होता है, जब आप स्क्रीन देखते हैं डिजिटल वाली कोई भी, चाहे लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल कुछ भी, तो आपकी पलकें कम झपकती हैं, ऐसे ऐसे जो होती हैं, मतलब ज़्यादा टाइम तक खुली रहती हैं, तो वो सूख जाती हैं, और सूखने से उनमें घर्षण होता है, इसलिए उसमें ये चीज़ें होती हैं। और हमारा काम ही 24 घंटे में जब तक जागते हैं यही देखना होता है, चाहे लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, पैनल हो गया। तो मेरी आँखों का ना बड़ा दर्द होता है, बहुत गरियाती रहती है मुझे हर समय, समझ रहे हो? इनको आराम नहीं मिलता 1 मिनट के लिए। तो ठीक है, कोशिश करते हैं कुछ इनको आराम देने का। चलिए सत्रह से डिवाइड करेंगे यदि 651 को, तो शेषफल बताओ। 17 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल बताइए कितना आएगा। देखिए जो स्मार्ट तरीके से करेंगे तेजी से वही कर पाएंगे। जल्दी करें। अनुज बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए तो कुछ ऐसे टॉपिक लेते हैं ना जिनमें मजा आती है ना। जैसे देखो अगला क्वेश्चन नंबर 7। ये बताओ कि संख्या 380 का 25% बताओ कितना आएगा। जल्दी करो कितना आएगा 25%। जल्दी करें, सवाल नंबर 7 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर देंगे आप, जैसे 7 नंबर है तो आप लिखेंगे 7A 7B या 7C। अगर 6 नंबर है या 5 नंबर है तो 5A 5B या 5C, इस तरीके के आप कमेंट करेंगे। आपको लग रहा है तो यहाँ सही कर लो, इसको 6 नंबर बना लो, कोई दिक्कत नहीं। रागिनी बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखिए इन्होंने बताया 950। अरे भैया धरती पे हो, कोनो दूसरे ग्रह पहुंच गए हो, चंद्र लोक में। हाँ ये बताओ 380 का 25% 950। इतनी उम्मीद तो नहीं थी तुमसे भाई साहब। 25% का मतलब उसका 1/4, जैसे 100 का 25% 25 होगा, तो इसका 25% इससे काफी हद तक छोटा होगा, बड़ा नहीं होगा। तो ये तो 950 बता रही, बिल्कुल मतलब इससे 3 गुना ज्यादा। चल भाई आगे बढ़े, बता ही देता हूं इसको। 380 × 25/100, ऐसे निकालते हैं एक जीरो से। एक जीरो से काहे काटोगे, मत काटो इसको, सीधा सीधा काटो। 25 × 100, 4 फिर डिवाइड करो, 4 9 36, बचा 2 हो गया, 20 4 5 20। ये सी वाला होगा चाचा। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 7वां, ये बताइए कोण 200 अंश का नाम बताओ क्या होगा। पहला ये न्यून कोण है एक्यूट एंगल, बी ये अधिक कोण है अब्ट्यूस एंगल, सी ये क्या होता है बृहद कोण रिफ्लेक्स एंगल, डी ये संपूर्ण कोण है कंप्लीट एंगल। बताइए मिथिलेश बेटा, तुम्हें ब्लॉक करने में अब देर नहीं लगेगी। मिथिलेश ने तुम्हारा महेश नाम है, मैं तुम्हें ब्लॉक कर भी दिया हूँ ऐसे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट आराम करके आ जाओ, मम्मी से पानी वानी मांग के पी लो। रिंकी वेरी गुड, कामना शुक्ला 7 में B। देखिए अधिकतर ना लोग यही बताएंगे, मुझे पता था ना तुम यही बताओगे, अधिक कोण ही बता रहे हैं, ये बी है, बी भी नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा, इसका सही जवाब है साथी मेरे कि ये बृहत कोण है, रिफ्लेक्स एंगल है, ये अधिक कोण नहीं है। चलो 8वां नंबर में आ जाओ, 8 नंबर में आ जाओ। अभी लास्ट में कारण बता दूंगा कि ऐसा क्यों होता है। 8 नंबर में आ जाओ, इसी में एडजस्ट कर लो। कोण 360 अंश का नाम बताओ क्या होगा, बताइए 8 में जवाब दीजिए। गुड इवनिंग राठौर जी, स्वप्निल जी गुड इवनिंग, जल्दी करें। हीना खातून बहुत अच्छा वेरी गुड, रिंकी सुहानी, पवन कुमार, थोड़ा सा दिमाग बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए आप लोग समझने की कोशिश करें, मैंने बहुत सुंदर लिखा है। आठ में राधा सिंह ने जवाब दे दिया है, इन्होंने बता दिया है कि सी वाला होगा, क्योंकि सी वाला जब 7 में हुआ था तो इनका मतलब वही उमें भी होगा, काहे को दिमाग दौड़ाएं, क्या ही कहूं मैं आपको जनाब। इंदु यादव का डी वाला हो रहा है, और किसी का, चलो बहुत अच्छा, इसका सही जवाब है डी वाला, क्या है डी वाला ऑप्शन है। 360 अंश का कोण संपूर्ण एंगल होता है, संपूर्ण कोण जिसे कंप्लीट एंगल बोलते हैं। आगे बढ़े, 9 नंबर पे आ जाओ, 9 नंबर पे। नौ नंबर पे आ जाओ भैया, 9 नंबर ले लो। ये बताओ कि 181 अंश का कोण, ये किस प्रकार का कोण है बबुआ, बताओ जल्दी। साजिद वेरी गुड, अनुष्का मान्या, आप सभी सेशन को फटाफट लाइक करिए, देर मत करिए, बहुत जल्दी करें, जल्दबाजी नहीं। वेरी गुड, चलिए सही जवाब बता दिया इसका शुक्ला जी ने, कामना शुक्ला, अनुष्का और मोहित। 181 अंश का जो कोण है वो बृहत कोण है, अधिक कोण नहीं है। कैसे है, क्यों है, अगले 5 मिनट के अंदर कोण का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, अभी 3-4 क्वेश्चन और पूछने के बाद। ये बृहत कोण है, क्यों है, कैसे है, बताऊंगा सब। तो लिख लो 9 में C, 9 में C सही है, अधिकतर लोगों का बी है। सुहानी रावत बिल्कुल अधिक कोण नहीं है ये, हाँ मैं सही हूं, अधिक कोण नहीं है। मेनिका गौतम, चलिए ये अधिक कोण नहीं है, आपकी गलत फहमी है, अभी क्लियर करूंगा ऐसा क्यों, सबर रखें।
आइए। दफ नंबर में आ जाओ भैया, दफ नंबर में आ जाओ, सारी शिकायत अभी दूर हो जाएगी आपकी। 91 का जो कोण है ये किस प्रकार का कोण है? अगर इसमें हम एक ऑप्शन और जोड़ देते हैं आपकी खुशी के लिए, समकोण, यफ नंबर मान लो चलो, बृहत कोण, बृहत तो है दादा, दस नंबर में अगर ए सही है तो आप कमेंट में लिखोगे ऐसे 10A, अगर डी सही है तो आप लिखेंगे 10D। ये कमेंट का तरीका है, कोई नाम नहीं लिखेगा। वेरी गुड राधा जी, बहुत अच्छे, पंकज बहुत अच्छे। टाइम दे दूं क्या तुम्हें? चलो लो टाइम ले लो आधा मिनट का, ये सब लफड़ा सा ही नहीं लगता थोड़ा सा। एक मिनट का टाइम दूं क्या? 40 सेकंड का लो, चलो। सोनम दुबे का आंसर आ चुका है, अनुज मिश्रा, राधा ठाकुर, महेश, रागनी, पल्लवी, सौरभ। चलिए बहुत अच्छा, 10 का जो सही आंसर है वो क्या है पता है आपको? बी वाला है, बी वाला। लोग भड़क गए ना, बी वाले पे नहीं आएंगे अब। 10 में बी सही है। 91 का जो कोण है वो क्या है? अधिक कोण है। देखो मैं लिखने लगा, ऊपर भाग गया टाइमर, ये भड़क गया, भड़क गया, बीत गया। चलो भैया आओ आगे। ग्यारह नंबर क्वेश्चन के लिए हो जाओ रेडी तैयार। ग्यारह नंबर सवाल क्या कहता है आपका? कि जो कोण है ना चाचा, वो 270 वाला, ये कौन प्रकार का कोण है बताओ इसी में से। 11 नंबर, 270 अंश का कोण किस प्रकार का कोण है? न्यून कोण है जिसे इंग्लिश में एक्यूट एंगल बोलते हैं, या बृहत सॉरी अधिक कोण है जिसे ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं, या कंप्लीट एंगल मीन संपूर्ण कोण है, या रिफ्लेक्स एंगल बृहत कोण है, या स्ट्रेट एंगल ऋजु कोण है, या राइट एंगल सम कोण है। जवाब दीजिए। चंचल समझ में आ रहा है, राधा सिंह समझ में आ रहा है, मोहित लौकुश सबको आ रहा है। चलो 11 नंबर में पूछ रहा हूं तो कोई 12 नंबर बता रहा है, भगवान ने आपका ना एक्स्ट्रा विकास किया है, मैं 12 नंबर लिखा ही नहीं हूं। सोनम दुबे ने सही तरीके से जवाब दिया है, साजिद ने भी सही तरीके से बताया है, पल्लवी, चंचल, दीना मलिक। तो 270 अंश का जो कोण होता है वो क्या है? बृहत कोण है, जिसे आप लिखोगे 11C, ये सही जवाब है। ठीक है, अच्छा अब 12 नंबर सवाल लिख लो एक थी और। 350 अंश का कोण का नाम बताइए 12 में। चलिए सुनील जवाब दीजिए, रिंकी चौधरी। सभी साथी सेशन को लाइक जरूर करें, आज प्रैक्टिस होगा, अभ्यास प्रश्न ओनली, बस। आधा मिनट है बस। राहुल बहुत अच्छा, सबसे पहला जवाब ठाकुर राधा सिंह का है, इन्होंने बता दिया है ऑप्शन नंबर सी और सही भी है।
ठीक है, अब मैं आपको क्लियर कर देता हूं इसका कंप्लीट आंसर। ठीक है, अब इसका कोण से संबंधित पूरा आंसर क्लियर कर लीजिए, फिर जाइए अपने अपने घर। मतलब छुट्टी नहीं होगी अभी, और पढ़ाएंगे, लेकिन सुनिए, देखिए ये चार हैं जो बिल्कुल वफादार, ईमानदार हैं, यूनिकॉर्न हैं, इनके अंदर बिल्कुल गद्दारी नहीं है। उनका नाम है शून्य कोण। ये यूनिक हैं, इनके कोई और नहीं है इस नाम का। समकोण, यूनिक, जैसे पीवीआर स्टडी यूट्यूब पर यूनिक चैनल है, पीवीआर स्टडी नाम से और कोई इतना बड़ा चैनल नहीं है। हमारे बच्चों ने चाय बना रखा हो 500 400 200 सब्सक्राइबर वाले बस। ऋजु कोण और ये संपूर्ण कोण, ये क्या है भैया? यही चार ऐसे कोण हैं जो यूनिक हैं, यानी ऐसे और कोई कोण इनके नहीं है। जैसे 90 अंश का और कोई दूसरा कोण नहीं होता है, संपूर्ण कोण सिर्फ 360 का होता है और कोई नहीं होता है। लेकिन न्यून कोण 1 अंश का भी होता है, 85 का भी होता है, 49 का भी होता है, 89 का भी होता है। मतलब 1 से लेकर के 89 तक क्या होता है? न्यून कोण होता है। समझ में आया कि नहीं? आया समझ में? तो न्यून कोण क्या है बताता हूं, देखो लिख लो, लिखना चाहो। न्यून कोण 1 से लेकर के 89 तक, 1 से स्टार्ट, 89 पर खत्म, 89 के ऊपर न्यून कोण नहीं होता है। अधिक कोण यानी अपट्यूस एंगल ये होता है साथी मेरे, 91 से लेकर के 179 तक, इसके आगे और कुछ नहीं। न्यून कोण अधिक कोण हो गया। अब देखो आगे आगे एक जो और बहुत लंबा नेटवर्क है वो है बृहत कोण का। बृहत कोण पहुंचा देता है लास्ट पर, यानी 181 से स्टार्ट होकर के 359 तक होता है। अधिकतर बच्चे 181 को अधिक कोण बता देते हैं, 180 के आसपास के को लोग अधिक कोण बोल देते हैं। अधिक कोण याद रखना 180 से कम होता है, 180 से अधिक नहीं होता है। ठीक है, एक चीज और समझ लीजिए, वो क्या है? बहुत सारे कैंडिडेट 180 अंश के एंगल को अधिक कोण बोलते हैं, ये अधिक कोण नहीं है, याद रखना। इसे कभी दोबारा अधिक कोण मत बोलना, इसको खुद तकलीफ होती है। ठीक है भैया, कि ना ही जाना हो? आगे बढ़े फिर। सजातीय विजातीय पद जानते हो? डीएलएड वाले हो ना, जानते ही होगे, वैसे भी बेसिक मैथ पढ़े होगे। देखो क्वेश्चन नंबर 13, सजातीय पद लाइक टर्म्स है, सजातीय पद यानी लाइक टर्म्स है। लिख रहा हूं गंदा गंदा, लेकिन सुनाई पड़ रहा है ना। चलो बताओ, इसमें कोई सजातीय पद है? जवाब दीजिए।
कोई सजातीय पद है। मैंने बताया था कि सजातीय पद के लिए दो कंडीशन होती है, साथ ही मेरे पहली कंडीशन होती है समान चर होना चाहिए। हाँ दूसरी कंडीशन होती है घाते समान होनी चाहिए। किसकी? समान चर और चरों की घाते समान। ठीक है, थर्टीन नंबर में जवाब दिया है स्वप्निल ने रागनी सोनम अनवी शर्मा सुहानी। इन्होंने सबने सी नंबर बताया है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, गलत है ये। ये घात यक्ष का स्क्वायर नहीं है, ये फ्रैक्शन के रूप में है, भिन्न के रूप में है, ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो सी वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। इसका सही जवाब है डी वाला। डी वाला कैसे है, क्यों है, बताता हूं। देखो ये डी वाला सही है, सी वाला गलत है। घाते समान होना चाहिए, चर समान होना चाहिए। और देखो कैसे, देखिए मैंने लिखा था ये 5/7y और ये था y का घात, ये -1 इनवर्स में था, तो इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो, 8/y इसको लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से क्या होगा, इसकी घातें समान है और चर भी समान है। ठीक है, ये दोनों क्या है, इनको अलग अलग आप घात देखो तो 1 1 है नीचे, और दोनों भिन्न के रूप में है नीचे। अगर ऊपर जाएंगे भिन्न खत्म करोगे तो ये दोनों माइनस में हो जाएंगे घात में। ठीक है, वो वाला सही नहीं है जो आप लोग इसको बता रहे थे। देखो इसको कैसे, 3/5 ये यक्स का माइनस हो जाएगा घात अगर ऊपर जाएगा बराबर में, तो ये ऐसी दशा में घाते बराबर नहीं है, घाते +2 और -2 हैं। हीरा लाल जी आ रहा समझ में, अनुज चंचल सभी को समझ में आ रहा है, पक्का आगे बढ़े। चलो चल भैया, 14 नंबर में आ जा राजा। इसको फट से देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में चुप्पे से बैठ के पढ़िएगा, बहुत काम की चीज है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 है का, ये जो भी हो नंबर, एक कोड नंबर है, मान लो क्वेश्चन नंबर नहीं, बताइए। इसका मान कितने लोग कर लेंगे, घबराना नहीं, बहुत आसान है, मैं अभी समझा दूंगा अगर नहीं आएगा तो। ये चलो कोशिश कर लो। चल भैया नॉन ऑफ दी जिनमें से कोई नहीं। जल्दी करिए बताइए। जल्दी करें। मौसम होने के कारण बाजरा ढकने गया हूं, कहां इस समय बाजरा ढका जा रहा है यार।
चलिए आगे चलें। हीरालाल कहीं बाजरा ढंक रहे। चलो देखो, तो इसमें क्या है भैया कि 3/5 है, और इसमें अगर दूसरे वाले में चर देखो तो ये 5/7 है। इनको आपस में हल करेंगे तो ये 3/7 बचेगा, ठीक है, दिख रहा है 3/7 बचेगा। और आपका वाई का पावर 2 और इसका 1, ये गुणा होगा तो वाई का पावर 3 हो जाएगा, एक्स का पावर 1 रहेगा, यानी 3/7 एक्स वाई का पावर 3, और ये प्लस का 3 बगल में ऐसे लटका रहेगा। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा सही है? सी नंबर 15 में सी। कौन जवाब दिया था? अनुज मिश्रा, कामना शुक्ला, राधा सिंह। आइए 16 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ फटाफट दौड़ते हुए। हीरालाल जी आप कौन से राज्य से हैं? मुझे लगता है यूपी में तो नहीं समय बाजरा वाजरा बोया जाता। बोया जाता तो पक्का तो है नहीं, अभी ढकेंगे। चलो ठीक है, फिलहाल आपकी बातें साइड में रखते हुए बीच बीच में लेते चलेंगे, उसको शामिल करते चलेंगे। ये बताओ कि √5 इसका गुणा इसमें कर रहे हैं ऐसे 3 बार, तो का मान क्या होगा? पहला ऑप्शन है ये इतना है, दूसरा है इतना है, तीसरा है 25 है, या 125 है। 16 नंबर में जवाब दीजिए। अगर ए सही है तो आप लिखेंगे 16A, अगर डी सही है तो लिखेंगे 16D, सी सही है तो लिखेंगे 16C। इस तरीके के कमेंट करें, जल्दी करें। बाजरा हमारे उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में भी होता है, हम लोग के यहाँ पहले बोया जाता था लेकिन अब शायद बहुत कम। उसमें ऐसे पतली पतली सी बालियाँ होती ना, बड़ी बड़ी सी, छोटे छोटे दाने होते हैं, मतलब मटर से छोटे होते हैं, और जो ये भुट्टा होता है जो नहरी बोलते हैं, इससे छोटे छोटे दाने होते हैं, है ना, हल्का हल्का जो है सफ़ेद का डार्क कलर, मतलब गहरा करके थोड़ा काला और सफ़ेद के बीच का कलर ना, ऐसा होता है ना। अरे जैसे वो होती कुल्फी खा, देखे वो कुल्फी, कुल्फी जैसे बाली होती ना उसकी, हाँ उसकी रोटी भी बनती है। चले आगे। तो ये हो गया, देखो भैया इनको क्या करेंगे कि 2 बार मल्टीपल करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और ये इसके अंदर में अटका रहेगा, तो इसका हो जाएगा बी वाला सही। कौन सा? बी वाला सही। कोई और इसमें केसी को कोई डाउट? रागनी, सोनम, लोकुश, दीना मलिक, ठाकुर सिंह, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 17। और भी पूछें कुछ? क्या कह रहे हो आप लोग? नहीं बड़े हो, चलो कुछ कुल से मिला के पूछते हैं बेसिक मैथ में। ये बताइए, इसको आपने देखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ये है, ये क्या है बताओ? पहला नंबर एक ये समीकरण है, समीकरण है, सर्वसमिका है, या एकमात्र सूत्र
सूत्र है यानी फार्मूला है या कुछ और है, बताओ क्या है ये? जल्दी करें फटाफट, ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े हो? 17 नंबर में कौन बताया अभी तक? देखिए तरीका इसका सही ये है कि आप 17 ए बोलेंगे कमेंट में या बी बोलेंगे, ऐसे तरीका है। नाम नहीं लिखना है इसका आपको कुछ, या 17 सी 17 डी। क्वेश्चन नंबर 18, काफी लोगों को ये नहीं आता है ट्रिग्नोमेट्री, ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला नहीं है, ये एक सर्वसमिका है। क्या है ये? ये एक सर्वसमिका है, आइडेंटिटी है, त्रिकोणमितीय सर्वसमिका है। जो लोग त्रिकोणमिति पढ़े होंगे, ये होता नहीं है त्रिकोणमिति में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल वन होता है, ठीक है? देखो कैसे होता, सिद्ध करके दिखाऊं तुम्हें। इसमें थीटा का अगर एक सेम मान रखोगे दोनों पर, तो ये दोनों पक्ष बराबर आएंगे। आइए दिखाता हूं। जैसे साइन मान लो 30 रख दिया, कॉस स्क्वायर 30। देखिए थोड़ा सा बताता हूं, जिन लोगों को नहीं आता थोड़ा बहुत आएगा। साइन 30 का मान जानते हो क्या होता है? 1/2 होता है त्रिकोणमितीय अनुपात में, तो इसका स्क्वायर। इज्जत बचा लेना भगवान, दोनों पक्ष बराबर आ जाए। कॉस 30 का मान वो होता है जो साइन 30 का होता है, और सॉरी मतलब 60 का। तो ये हो जाएगा 1/4, ये 3 का स्क्वायर तो 3 रहेगा, और ये नीचे हो जाएगा 4 बराबर 1। भैया हो हर हर बराबर है, अंश अंश जोड़ दोगे तो 4/4 आएगा, काटोगे तो 1/1। समझ में आया ये क्या है? एक सर्वसमिका है। कितने लोगों को मैथ थोड़ा थोड़ा आता है? ये 9th में भी पढ़ाया जाता है, 10th में ही नहीं। नोट कर लीजिए इसको फटाफट। आज एक महान आत्मा ने कॉल किया था, कह रही थी बड़ी शिकायत है आपसे कि आप मेरा फोन नहीं उठाते हो, मैं आपको बहुत गरियाने वाली हूँ। और उन्होंने क्या किया था पता है? ये लास्ट में 954 की जगह 945 लगा के कॉल किया था उन्होंने 18 बार, और इसमें भी उन्होंने कुछ और गलती किया था। नंबर लिखने में अगर तुम गलत नंबर मिलाओगे, तुम्हारा फोन कहाँ जा रहा मैं क्या जानूँ, बताओ? हमारे पास आएगा तो मैम लोग आपको कॉल बैक करेंगी, अगर हम कर पाते हैं तो हम भी रिसीव कर लेते हैं, नहीं तो मैम लोग बात करती हैं अधिकतर अक्सर स्टाफ के लोग, ठीक है? तो ये बताइए, सवाल नंबर 18 नहीं ले लो, ये बता भैया कौन बड़ा है, कौन बड़ा है? 3/7 और ये 9/7। इनको अगर हम P बोलें, इनको Q बोलें, तो बताओ P और Q में कौन बड़ा है? आप ऐसे लिखोगे 19 में, अगर ये पहला का वाला फाइ है तो 19 P, दूसर का वाला फाइ है तो 19 Q। कमेंट में सिर्फ आप इतना लिखोगे बस। चलो भैया, चलो पानी वानी पी लो, अब सुबह होने वाली है। मेरा मन करता है ना एक दिन मैं लाइव चलाऊं पूरा रात भर, मतलब शाम को 9 बजे शुरू कर दूं, सुबह 9 बजे बंद हो। कितने लोग रहोगे साथ में? अरे मोबाइलिया चलने देना, हमें लगेगा कि तुम हो, भले सो जाना कोई बात नहीं। हो कोई तैयार? हमें कुछ कुछ देर सो लेंगे ऐसे खड़े होकर ऐसे ऐसे, लेकिन जाना नहीं कोई। बताओ, बेसिक गणित खत्म हो जाएगी पूरा लगभग।
सिर्फ कहना ही नहीं है हम है, रहना भी पड़ेगा। और फोन नंबर पहले बताओगे, सब लोग नंबर नोट करेंगे सबका, तब जिससे जे जो उन्हों कौन सोया गया तुरंत फोन करके उसको सुनाया जाए, है ना, कि काहे को सोया, वादा करके काहे को तोड़ा। इंटरनेट नहीं रहेगा तुम लोग का, कहोगे खत्म हो जाएगा। पहले ना हम चाटे पर छोड़े बैठे हैं, ड्रिल उल देख के ऐसे ऐसे करके सुबह से। चलो ठीक है, बताता हूँ, मुझे तो लग रहा सब तैयार रहेंगे। अरे घर वाले आपको पकड़ के ले जाके लेटा देंगे, पगला गया है काई, का हो रहा है आज। फिर उसमें काफी स्टोरी भी सुनानी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे रात नहीं बीतेगी, बगल में गाना भी बजाना पड़ेगा। वो कौन सा, यही रात अंतिम, कैसे है वो, एक ही रात की कहानी है सारी, यही रात अंतिम यही रात भारी। एक बार किया था वो, डीएलएड का पेपर था उसके पहले। हाँ घर में रात में सब सोते रहेंगे, भैया भाभी मम्मी पापा किसी का जाके चुप्पे से हॉटस्पॉट ऑन कर लेना, रात भर में इंटरनेट चार्ज जाना, उसको क्या पता कि हाँ कौन कर लिया। अब इंटरनेट की चोरी पर भी एफआईआर होने लगा, समझ रहे हो कि नहीं, किसी का इंटरनेट चोरी मत करना। आजकल किसी इंसान की मोबाइल अगर उससे दूर कर दो ना, तो आपको बहुत बड़ा पाप लगेगा। खाना मत दो चलेगा, आटा नहीं रहेगा चलेगा, लेकिन डाटा होना चाहिए मोबाइल में, मन में जो कुछ मोबाइल में सब कुछ, है ना। ये नया लाइन नोट कर लीजिए कहीं, मन में जो कुछ मोबाइल में सब कुछ, तुम्हारा जो मन करे, जो तुम्हारे मन में आया दिमाग में आया, वो सब मोबाइल में देख सकते हो, खोज सकते हो, कुछ भी, अच्छे से अच्छा बुरा से बुरा। कौन बड़ा है इसमें, क्वेश्चन तो बताया नहीं कौनो, गड़बड़ा गया का, कोई पी बताया, कोई क्यू बताया, कोई कुछ भी। चलिए ठीक है, तो मैंने लिखा था अभी क्या था, 3/7 और 9/7 ऐसे कुछ था ना। देखिए दोनों का हर हर बराबर है, ठीक है। ऐसे मान लो कि ये क्या है, चॉकलेट है, ये 3 चॉकलेट है, ये 9 चॉकलेट है। मान लो कि आप लोग दो दोस्त हैं, ठीक है, दो क्या है, दोस्त हैं। पहले वाले दोस्त के पास 3 चॉकलेट है और उसका चल रहा है 7 जगह अफेयर, कितनी जगह, 7 जगह चल रहा है। दूसरे वाले के दोस्त के पास में 9 चॉकलेट है, उसका चल रहा है 7 जगह अफेयर। तो पहलका वाला का जो है इन लोगों में चॉकलेट बांटेगा तो कितना कितना मिलेगा बताओ। अब देखिए आवाज आ गई, यस। हाँ तो कहाँ तक सुने थे आप लोग, कहाँ तक सुने थे भाई। आ गई, वो डिस्चार्ज हो गई उसकी बैटरी, तो मैंने कान में खोफ लिया है कुछ और चीज। चलो ये फ्री की चीज है जो कान में लगाया है, एप्पल मैकबुक के साथ में फ्री मिला था।
सेकंड जनरेशन एयरपॉड। और तो आजकल ना एप्पल इतना अच्छा बिजनेस करने लगा है कि अभी iPhone 15 लॉन्च कर दिया है, समझ रहे हो कि नहीं। हर साल एक लॉन्च करता है, लाखों लाख के फोन बेचता है, बस नाम बिकता है जनाब, नाम। चलो आगे बढ़े। तो कौन बड़ा है हो गया वो, कहां तक सुने थे आप लोग, मुझे तो समझ में नहीं आया, आप लोग सुने भी थे कि नहीं कुछ। आ गया चलो छोड़ो, अब वो टॉपिक नहीं चर्चा करेंगे, जाने दो, अब इसको भी हटाए दो। तो और भी कुछ चलेगा इसमें? ठीक है, हाँ परमीय परमीय में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर मान लो इसको 20 नंबर मान ही लो, परमीय संख्या है, बताओ। पहला अंडर रूट 16 + 1, अंडर रूट 37 पाई, बताइए इसमें परिमेय संख्या कौन है 20 में, जवाब दीजिए। तो फिर तक सर, बताइए रेशनल नंबर कौन सी है इसमें से, जवाब दीजिए जनाब फटाफट। सौरभ, रागिनी, ट्वेंटी में कोई बी बता रहा है, कोई डी बता रहा है, सब कंफ्यूजन में जी रहे हैं। यहाँ पे रेफरल नंबर लिखा चचा, ए रुकने दादा, क्या लिखा है रेफरल नंबर, रेफरल मीन्स परिमेय संख्या। देखो भैया साहब, अरे भैया सुनो ना, हो परिमेय संख्या की बात हो रही चचा, तो 20 में ए वाला सही। देखो जो लोग भटक रहे हैं ना इधर, ये बिल्कुल परमीय नहीं है, ये तो 5 हो जाएगा प्लस अंडर रूट 3 हो जाएगा, कहाँ उखाड़ लोगे इसमें, ये नहीं हटने वाला है। ये हो जाएगा अंडर रूट, ये 4 + 1 = 5 आएगा, ये सही है, बाकी और कोई नहीं निकलने वाला है। चलो तो आज इस क्लास में बस यही 20 क्वेश्चन, बेसिक मैथ का उदय 2.0 बैच, ये लॉन्च हो रहा है 21 सितंबर से। इसकी ज्वाइनिंग होगी सिर्फ 18 या 19 तक, ठीक है। तो उसके बाद इसमें ज्वाइनिंग नहीं होगी, इसमें बहुत ही बिग ऑफर है। प्रथम 200 स्टूडेंट को 80% तक का छूट। देखो ये कहीं आप देखे हो डिस्काउंट अप टू 90%, अप टू का मतलब होता है कि उतने तक हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि 90% ही मिलेगा। 90% तक का मतलब ये होता है कि तुम्हें 5% भी मिल सकता है, 70% भी मिल सकता है, लेकिन हमारे केस में मैक्सिमम ही मिलता है, ठीक है। तो जिनको बिल्कुल जीरो से सीखना है, शुरू से सीखना है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। और 15 तारीख से डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का नया बैच आ रहा है, ठीक है। तो जिनको मैथ का माँ नहीं आता है, गणित का ग नहीं आता है, उनको भी हम मैथ सिखाते हैं, समझ रहे हो, बिल्कुल जीरो से एकदम शून्य से। तो जो भी कैंडिडेट इच्छुक हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए नंबर दिए गए हैं नीचे स्क्रीन पर, उनपे संपर्क करें, इंक्वायरी करें। प्रथम 200 बच्चों के लिए इसमें स्पेशली ऑफर है, काफी बिग डिस्काउंट,
ये नंबर आपका यूपीआई नंबर भी है, इस पे आप कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके भेजें, जो भी इच्छुक हैं, जो भी छात्र इच्छुक हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पे इसी पे भेज दें। लेकिन याद रहे इसमें फीस लगेगा, इसमें फी अमाउंट होगा 500 से लेकर के 799 तक मैक्सिमम। वैलिडिटी होगी 3 से 12 महीने, मतलब आप ये समझ लो कि अगर आपको साल भर का कोर्स सिर्फ 500 या 700 रुपए में मिल रहा है, इससे सस्ता और क्या हो सकता है। आप समझ लो, अगर कहीं कोचिंग करने जाओगे मेरे साथी, अगर 10 किलोमीटर भी दूर है, आने जाने का 20-20 रुपए किराया लग रहा है, तो 40 रुपए महीने का 1200 रुपए सिर्फ किराया हो जाएगा एक महीने का। और अगर आपको 12 रुपए भी ना देना पड़े किराया, और सिर्फ 500-700 रुपए में, आप सोचो कि 1200 भी नहीं लग रहा है, एक महीना नहीं पूरे साल भर के लिए कोर्स मिल जाए और कहीं जाना ना पड़े, और चाहे जितनी बार पढ़ो चाहे जैसे पढ़ो, तो कितना अच्छा हो। इससे ज्यादा बेहतर, इससे ज्यादा सस्ता और क्या हो सकता। अब आवाज तेज आ रही है। अच्छा, ये ज्यादा तेज आवाज ले रहा है कहाँ, हो सकता है कुछ हो इसका चांस। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, तो बस इतना ही। कल डीएलएड का प्रथम सेमेस्टर का नया बैच आ रहा है 15 सितंबर से, जो कि इसके पहले था 12 सितंबर से, उसका नाम है टॉपर बैच। तो जो भी आपके रिलेटिव में अगर बीटीसी में एडमिशन करवा रहे हैं डीएलएड में, तो उनके लिए आप सूचित कर दीजिए। यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर गणित नया बैच, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होगा, एकदम शुरू से। ठीक है, तो जो डीएलएड के छात्र हैं वो भी ध्यान दें, जिनका बैक वैक लगा है उनके लिए भी काफी अच्छा होगा। जो भी इस वाले बैच में ज्वाइन करना चाहे, वो भी इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इस व्हाट्सएप पर मैसेज करें, नंबर ध्यान से देखें, फिर से नोट करें बार बार। किसी को क्लास के बारे में कुछ कहना है, एनीवन, कोई अगर क्लास के बारे में कुछ कहना चाहता है तो बोल सकते हैं। हमारी तरफ से क्लास खत्म हो चुकी है। हाँ, ये सारी क्लास आप फ्री भी पा सकते हैं बिना 1 रुपए पेमेंट किए। बताएं कैसे, उसके लिए अपना फोन ऐसे सामने करें, ऐसे सामने करके 1 मिनट का वीडियो बनाए, सिर्फ 1 मिनट का, कैसे क्लास के बारे में अपने फीडबैक कि हाँ मैंने पीवीआर स्टडी ज्वाइन किया, पीवीआर स्टडी से देखा, पीवीआर स्टडी से पढ़ा, मुझे समझ में आया, अच्छा लगा, जो भी जैसे जैसे, और उसको उसी व्हाट्सएप पे भेज दे। आपको 500-700 हजार रुपए जो जमा करना है वो नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल जीरो। अपना फीडबैक का वीडियो एक अच्छा सा बना के जरूर भेजें, उसको यूट्यूब पर हजारों बच्चे देखेंगे और वो मोटिवेट होंगे, क्योंकि अक्सर ऐसे कैंडिडेट हैं जो मैथ से उम्मीद हार चुके होते हैं, उनके लिए एक नई उम्मीद बनती है। लेकिन ध्यान रहे, फोन को ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे करेंगे तो 60 वीडियो नहीं बनेगा। ठीक है, तो फोन को ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे ही करेंगे सीधा। सोनम जी, बहुत जल्दी ही सेकंड सेमेस्टर का भी आएगा, और भी सेमेस्टर का न्यू बैच आएगा, बहुत जल्दी आएगा, बस थोड़ा सा सब्र रखें, तफली रखें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत थैंक यू। जिनको कुछ कहना है नंबर पे फोन करें, व्हाट्सअप करें, हम आपको आपकी बात का रिस्पॉन्स करेंगे। अगर अभी आप कॉल करते हैं रात के 11:20 तक, तो हम आपकी कॉल का रिप्लाई खुद करेंगे, कॉल या व्हाट्सअप कहीं भी करेंगे। उसके बाद आप करेंगे तो हमारे टीम के जो साथी लोग हैं, असिस्टेंट लोग हैं, वो लोग आपको रिप्लाई करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू। कल गुड मॉर्निंग का सेशन होगा सुबह 9 से 12 बजे के बीच में कभी भी, तो उसमें आप आकर के अपनी बात कमेंट में भी हमसे कह सकते हैं।